कम्युनिकेशन टुडे की 59वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और संयोग से आज जन्माष्टमी का पर्व भी पूरा देश बड़े उल्लास और उमंग के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, तो जन्माष्टमी और विश्व छायांकन दिवस इन दोनों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 26 वर्षों से जयपुर से एक मीडिया त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जैसा कि हमारे संभागी जो इसमें नियमित रूप से जुड़ रहे हैं उनको इस बात की जानकारी है कि एक छोटा सा प्रयास कि हम मीडिया संबंधी मुद्दों पर मीडिया कर्मी, मीडिया शोधार्थी, मीडिया शिक्षक जो कुछ सोचते हैं, लिखते हैं, साझा करना चाहते हैं, उसके माध्यम से हमने एक छोटा सा मंच देने का प्रयास पिछले 2.5 दशक में किया है। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने अनेक विशेषांक भी प्रकाशित किए हैं और हाल ही में कोविड और मीडिया तथा भारत में मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष और डिजिटल मीडिया जैसे उल्लेखनीय प्रकाशन भी रहे। कोविड दौर में जब एक बार लगा कि सब कुछ थम सा गया है, लॉकडाउन के उस दौर में जब ये नया विकल्प हमारे सामने आया तो हमने एक और छोटा सा प्रयास किया गांधी जयंती के अवसर पर वर्ष 2020 में कि अपनी इस वैचारिक यात्रा को इन वेबिनार्स के माध्यम से जारी रखा जाए। उस श्रृंखला में आज 59वीं वेबिनार है विश्व फोटोग्राफी दिवस पर। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, इस विषय पर संवाद करने के लिए आज देश के 2 वरिष्ठ छाया का फोटोग्राफर हमारे साथ में है। प्रोफेसर शिव नारायण जी जोशी जो शिवजी जोशी के नाम से प्रख्यात है और बैजू पाटिल जोशी जी जोधपुर से है और बैजू पाटिल औरंगाबाद से है जो पिछले 3 दशक से वन्य जीवन के नानाविध चित्रों को अपने कैमरे के माध्यम से देश दुनिया के सामने ला रहे हैं। इनका विस्तृत परिचय जब मैं इनको आमंत्रित करूंगा आप संवाद करने के लिए तब इनके बारे में बताऊंगा। और हमारे साथ एक युवा छायाकार मीडिया कर्मी डॉक्टर सिद्धार्थ जैन भी हमारे साथ में है। जैसा कि आपको विदित है इस पूरी चर्चा को हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिन मित्रों ने इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, करीब 226 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है देश के सभी अंचलों से, बल्कि फिलीपींस, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ के प्रतिनिधियों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर ये वीडियो हम उनके साथ शेयर करते हैं और जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि जो कुछ चर्चा यहाँ हुई है, समय की अनुकूलता के अभाव में जो मित्र ज्वाइन नहीं कर सके हैं वो भी इसका पूरा लाभ उठा सके। तो एक छोटा सा प्रयास आप सभी के सहयोग के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार। और चर्चा की शुरुआत बहुत संक्षेप में मैं आज के दिन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए हमारे इन वक्ताओं को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करूंगा। 19 अगस्त जैसा प्रारंभ में मैंने कहा कि विश्व छायांकन दिवस के रूप में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है, 19 अगस्त का फोटोग्राफी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण इतिहास महत्व स्थान है। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल भावना यही है कि हम फोटोग्राफी के माध्यम से जो लोग जीवन के उन अनमोल पलों को सहेज कर रखना चाहते हैं उनके कहीं हम जागरूकता पैदा करें, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को वो फोटोज के माध्यम से साझा करना चाहते हैं, उनको हम कहीं प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से लगभग 2010 के आसपास से ये दुनिया भर में फोटोग्राफी दिवस बनाने की एक परंपरा चली है। फोटोग्राफी की अपनी एक अद्भुत, ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा है। हम कल्पना करें उस दौर की जब फोटोग्राफी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए हमारी प्राचीन जो गुफाएं हैं उनमें देखिए आप किस तरह से भित्ति चित्रों के माध्यम से व्यक्ति ने अपने आप को अभिव्यक्त किया। तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस तरह का एक जुनून था, इस तरह की एक भावना थी जिसके माध्यम से वो अपने आप को अभिव्यक्त करता था। उसके बाद 19 अगस्त 1839 का वो महत्वपूर्ण दिन आता है। ये दिन अनायास नहीं आया, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिकों की, ये शायद मनुष्य जुनून का ही परिणाम है
कि उसने नित नए नए आविष्कार किए। लॉकडाउन जैसा मैंने शुरू में कहा, जब हमें लगा कि जीवन में सब कुछ थम जाएगा, हमारे युवाओं को लगा कि उनके पाठ्यक्रमों का क्या होगा, कैसे परीक्षाएं पास करेंगे, ये नया विकल्प हमारे सामने आ गया। कोरोना ने बहुत सारे विषाद हमको दिए, दुख और पीड़ाएं हर परिवार को दी, लेकिन एक अद्भुत विकल्प भी हमको दिया। शायद ये मनुष्य की उसी जुनून आस्था का ही परिणाम है, और फोटोग्राफी भी शायद उसकी उसी अभिव्यक्ति की उत्कंठा का परिणाम है। जब दो फ्रेंच आविष्कारक, फ्रांस के जोसेफ नाइसोफोर और लुइस डॉगेट ने डॉगरोटाइप, एक फोटो तत्व के रूप में जिसको आप मान सकते हैं, उसकी एक शुरुआत की, या उसकी जब उन्होंने खोज की, तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफी की दुनिया में वो एक हमारा पहला कदम था। और उनकी इस तकनीक को जब उस समय की जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस थी, जिसने इसको एक तरह से अपना पेटेंट लिया था, जब फ्रांस की सरकार ने उसको खरीद लिया और दुनिया भर के लिए उसको उन्होंने मुफ्त में ही उपलब्ध कराने की घोषणा की, बस वहीं से फोटोग्राफी की दुनिया आगे बढ़ती है। अलग अलग तरह के उल्लेख मिलते हैं किस तरह से जब दुनिया का पहला फोटोग्राफ लिया गया तो ऐसा बताते हैं कि 8 घंटे लग गए थे, किस तरह से वो सब मिश्रण करके और घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे, और जैसे जैसे रोशनी आती गई वैसे वैसे वो प्रिंट उभरता गया, और अपने कमरे की खिड़की से जो फोटो खींचा गया वो अभी भी गूगल आप कीजिए वो फोटो दिखाई देगा। हालांकि वो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक पड़ोसी मकान की जो छत है और पेड़ पौधे हैं, वो उस रोमांच को यदि आप महसूस करें तो उसको हम महसूस कर सकते हैं कि जब पहला फोटो उसने खींचा गया होगा तो उसे कितना बड़ा एक उत्साह या उमंग का एहसास हुआ होगा। आज भी जब हम इस तकनीक का चमत्कार देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। तो कल्पना कीजिए लगभग 1.5-2 सदी की पहले की उस फोटोग्राफी की दुनिया का। ऐसा मानते हैं कि अलग अलग दौर में अलग अलग प्रयोग किए गए। 1838 में पहली फोटो खींची गई जिसमें इंसान दिखा था। 8 मिनट लगे थे उस एक्सपोजर, 8 मिनट का देना पड़ा जब फोटो खींचा गया। सड़क पे कोई चलता हुआ नहीं दिखाई दिया क्योंकि तेजी से मूवमेंट हो रहा था, लेकिन दो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जूते की पॉलिश कर रहा था, वो फोटो उसमें आ गया, है ना। फिर उसके बाद कलर फोटोग्राफी आई, फिर रंगीन रंगीन के साथ, फिर पानी में फोटो, नई नई तकनीक आती गई। और हम जिस दौर के हैं, हालांकि जोशी जी ने तो पूरे युग को देखा है लगभग 8 दशक के, लेकिन लगभग 6 दशक के हम भी साक्षी रहे हैं। और मुझे ध्यान है उस समय फोटो बहुत मितव्ययता से खींचते थे, रील लगती थी कैमरे में, और एक दो बार तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि रील डाल दी, रील लगी नहीं, और ऊंचे नीचे कूदते फांदते फोटो खींचाते रहे, और जब वहां गए फोटो उसको रील को खोलने के लिए देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो वो सारे मोमेंट्स चले गए। तो वो 12 या 36 36 रील के वो फोटोग्राफ, फिर जब जब रूल दिलने के लिए देके आते थे तो कल आना और परसों आना, इस तरह के वो स्टूडियो वाले जो है वो हमें कहा करते थे। और मुझे तो ये भी याद है कि नेगेटिव वो फोटोग्राफर नहीं दिया करते थे स्टूडियो वाले, वो उस पर अपना जैसे कॉपी ट्राई रखते थे ताकि दोबारा फोटो बनवानी हो तो वहां जाए। मीलों यात्रा करनी पड़ती थी एक फोटो खिंचाने के लिए, दूर दराज के स्टूडियो में जाने के लिए बड़े बड़े कैमरे। लेकिन तकनीक बदली, 90s में डिजिटल कैमरे का आविष्कार होता है, और फिर मोबाइल और स्मार्टफोन ने तो हमारी पूरी फोटोग्राफी की दुनिया बदल गई। और आज भी अखबारों में छपा है, कई डेटा छपे हैं कि 1 सेकंड में कई हजार फोटोग्राफ खींचे जाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अपलोड किया जा रहा है। जीवन के हर क्षण को कहीं ना कहीं हम कैद कर लेना चाहते हैं। ये अलग बहस हो सकती है कि इस फोटोग्राफी के दौर में कहीं ऐसा तो नहीं है हम उस माहौल का आनंद लेने से वंचित हो गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी इच्छा और जिज्ञासाएं हैं इस दौर में फोटोग्राफी ने, और फोटो जर्नलिज्म में नया क्षेत्र जिस तरह से खोला। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, चाहे वो अकाल की विभीषिका हो, बाढ़ की विभीषिका हो, बम्बार्डमेंट किया गया हो, अलग अलग दौर के, स्पोर्ट्स के, जीवन का कोई भी आप पक्ष ले, ऐसे अद्भुत फोटोग्राफ हैं जिनको जिनका वर्णन करने के लिए हमें कई कई शब्दों के अंदर उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसीलिए लगभग 1 सदी पहले किसी ने कहा था कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आज उसी फोटोग्राफी के महत्व को लेकर के हम 3 अनुभवी फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ उनके अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की और क्या भावी संभावनाएं हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जैन को। सिद्धार्थ जैन का जो फोटोग्राफी का शौक है उसको मैंने बहुत निकटता से देखा है।
वर्ष 2015 में जब इन्होंने सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, जहां मैंने अपने जीवन के लगभग साढ़े तीन दशक बिताए, वहां उन्होंने अपना एडमिशन लिया था, जर्नलिज्म की पढ़ाई की, और संगीत का इनको शौक है, और फोटोग्राफी को भी उन्होंने, जो हमारी तीन वर्कशॉप्स हुई जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स के हिमांशु व्यास और महेश स्वामी जी ने भी यहाँ ज्वाइन किया है, उनकी प्रेरणा से वो तीन उन्होंने वर्कशॉप लगाई थी, उनमें इनकी सहभागिता रही, और जयपुर का जो हमारा वहां पे एग्जीबिशन हमने लगाई, तो उस तरह के उस दौर को मैंने देखा। और इन दिनों में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से सिद्धार्थ ने जीवन के अनेक पहलुओं को जिस तरह से प्रकट किया है, तो आज के इस आयोजन में आना, हालांकि आना तो था चिंकू पाठक जी को, लेकिन उनके परिवार में कोई इमरजेंसी हो गई इसलिए उन्होंने आने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तो अंतिम समय में क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत मैंने सिद्धार्थ को फोन किया कि वो अपनी उपस्थिति से लाभान्वित करें। तो सिद्धार्थ मूलतः प्राकृतिक चिकित्सक है, लेकिन मीडिया में पिछले लगभग एक दशक से ये नियमित रूप से काम कर रहे हैं, पत्रिका टीवी न्यूज इंडिया के साथ ये जुड़े रहे, और वर्तमान में आकाशवाणी के साथ ये आकस्मिक समाचार वाचक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और फ्रीलांसर के रूप में पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते रहे हैं चिकित्सा संबंधी, मीडिया संबंधी, और अपने फोटोग्राफ जो है उनके प्रकाशन के माध्यम से। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं हम एक युवा फोटोग्राफर डॉक्टर सिद्धार्थ जैन से कि वो क्या महसूस करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, सिद्धार्थ माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब शुरू कीजिए। सम्मानित मंच, आदरणीय संजीव भानावत सर, शिवजी जोशी सर, बैजू पाटिल सर, उषा मैम, पृथ्वी दी, महेश सर, जोया मैम, और मेरे सभी साथियों, फोटोग्राफी में मुझे इतना ज्यादा भी समय नहीं हुआ है आप सबके सामने, तो अभी मैं बहुत यंग हूँ और आप लोगों की फोटोज देख के ही हम लोग सीख रहे हैं। महेश सर का भी रेगुलर मैं इनकी वॉल पे फोटोज देखता हूँ, कैप्शंस देखता हूँ, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि नेचर को या एक जगह को आम इंसान, एक इंसान कितनी उसका विजन कितना बड़ा हो सकता है कि उस एरिया को वो अपने फ्रेम के अंदर इतनी ब्यूटीफुली कैप्चर करे कि वो देखने वाले को भी लगे कि ये चीज हमें क्यों नहीं दिखती। हम कई बार रास्तों से गुजरते हैं बट कोई ऐसी बर्ड, कोई ऐसा फूल जो हमें नहीं दिखता है, और एक फोटोग्राफर वहां से वो चीज ढूंढ के इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है कि लोग बोलते हैं वाह मजा आ गया। हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? हम उसे इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस चीज के प्रति हमारा इतना जुड़ाव नहीं है। आज YouTube पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको देख के लोग बेसिक नॉलेज तो ले लेते हैं, बट जब तक वो फील्ड में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वो शायद फोटोग्राफी नहीं सीख पाएंगे। मैं जब फोटोग्राफ करता हूँ किसी चीज को तो मैं उस मोमेंट को चेरिश करता हूँ। बचपन से ही मेरा रुझान फोटोग्राफी की तरफ रहा है। मेरे डैडी बचपन में मेरी और मेरे छोटे ब्रदर की बहुत सारी फोटोज खींचा करते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था जब वो फोटो डेवलप होके आती थी, हम घंटों तक बैठ के देखते रहते थे कितनी सुंदर फोटो है। शायद वहीं से मेरे अंदर भी ये चीज जागी कि मुझे भी फोटोग्राफी करनी है। हम लोग बचपन में जू, आस पास थे जितने भी पार्क्स थे वहां घूमने जाया करते थे, नेचर के पास जाते थे, वो चीजें मुझे बहुत पसंद आती थी। उसके बाद जब भानावत सर के सानिध्य हमें मिला, हमने जर्नलिज्म किया, तब वर्कशॉप्स हमारी वहां हुई और उसमें हमने फोटोग्राफी के एंगल्स और बारीकी से सीखे कि एक फ्रेम किस तरह से तैयार करना है, फ्रेम में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हम कैसे एक पर्टिकुलर चीज को या फ्रेम को और खूबसूरत बना पाए। वो चीज सीखने के बाद फिर मैंने आसपास के जो लोकल पार्क्स हैं वहां जाना शुरू किया, वहां की चीजों को गहराई से देखना शुरू किया। मैं वहां जाता, आधा आधा एक घंटा, तीन तीन घंटे वहां बैठता। बैठने के बाद वो चीजें मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता था कि वो चीजें मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो भी मुझे अपने पास बुला रही हैं, वो एनर्जी मुझे खींच रही है अपनी ओर। वहां जाके मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट की।
फिर धीरे धीरे करके मैं जो आसपास के जो नेशनल पार्क्स हैं वहां मैंने जाना शुरू किया और फोटोग्राफी शुरू की। फोटोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक कोर्स की तरह पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। जितना ही हमारा इसमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितना ही हम इसमें काम करते जाएंगे, उतना ही पॉलिशिंग होती जाएगी। पहले फोटोग्राफी के पहले जब कोई व्यक्ति एक मोबाइल खरीदता था तो वो मोबाइल खरीदता था सिर्फ बात करने के लिए। आज हम मोबाइल खरीदते हैं ये देखे कि उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। मैं ये नहीं कहता कि एक अच्छे फोटोग्राफर होने के लिए आपके पास कोई बहुत बेहतरीन कैमरा होना चाहिए या कोई बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपके पास एक अच्छी फोटो के लिए एक विजन, एक आपकी नजर, वो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी नजर है तो आप वहां भी एक अच्छा सा फ्रेम कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, बेहतर कैमरा और मोबाइल उस चीज को और बढ़िया क्वालिटी में तैयार कर सकती है, बट वो एक सेकेंडरी चीज है। मेन बेसिक चीज जो आपको कैमरे के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होंगी, आप जब जाके प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे तो आप इस फील्ड में और बेहतर कर पाएंगे। जब हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाहर कला केंद्र में एग्जीबिशन लगी, काफी लोग ने वहां विजिट किया और हमारी फोटोज देख के अप्रिशिएट किया, जिनमें से एक महेश सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जब हमारे सीनियर्स ने आके हमें मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि ये फोटो इतनी बेहतरीन है, इसको आप और बढ़िया ऐसे बना सकते हो, तब हमें लगा कि ये चीज हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हमने फिर फोटोग्राफी स्टार्ट की। सोशल मीडिया पे आज बहुत सारी फोटोज अपलोड होती हैं, बट उन सबको मैं अपनी नजर में अच्छी फोटोज नहीं मानता हूँ। क्योंकि कुछ भी क्लिक करना और सोशल मीडिया पे डालना, आज मीडियम तो बहुत इजी हो गया है, बट उसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं वो चीज भी सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। कैप्शन हम फोटो में डालते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट एक फोटोग्राफ ही अपने आप में पर्याप्त है अगर हम देख पाए कि वो फोटो क्या कहना चाह रही है। कुछ फोटोज ऐसी हैं जो हमारे सीनियर्स क्लिक करते हैं, हम बिना कैप्शन देखे बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर उन्होंने क्लिक किया है, क्योंकि उनकी वो एक शैली है, वो उनका एक तरीका है। आज सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया और वो इतना बढ़िया मैसेज था कि मैंने उसको नोट किया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कुदरत का बेआवाज सुकून बता दे, ये किसी रोश का जुनून बता दे। एक तस्वीर हजार अल्फाज बयां करती है, एक खूबसूरत तस्वीर कई खूबसूरत सोच को बयां करती है। कई पहलू दिखा देती है जिंदगी के, कई दरवाजे खोल देती है बंदगी के। पता ना हो तो एक सलाह मुझसे लीजिए, जिस्म से अच्छा किसी तस्वीर से मोहब्बत कीजिए। किसी के ख्यालों के रंगत जाननी हो, किसी शांत इंसान की सोच पहचाननी हो, तो उसके दिल में नहीं उसकी तस्वीरों में झांकिए, कई राज मिल जाएंगे, जरा गौर से तो देखिए। ये तस्वीरों की प्यास कलम क्या बुझा पाए, तस्वीरों से बात करने वाले अल्फाजों में क्या बता पाए। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। फोटोग्राफर के रूप में आपने अपने अनुभव, किस तरह से एक फोटोग्राफर के पास विजन होना चाहिए, एक विशिष्ट निगाह होनी चाहिए चीजों को देखने की, परखने की, आपने अपने अनुभव से फोटोग्राफी के उस महत्व को रेखांकित करते हुए केवल कैमरे से किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना फोटोग्राफी नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ स्किल्स भी होना जरूरी है। निश्चय ही व्यक्ति की रचनात्मकता, उसमें निहित प्रतिभा अंततः एक अच्छे फोटो को एक तरह से खींचने में सहयोगी हो सकती है। आइए अब हम सुनते हैं भाई बैजू पाटिल को, जिनका मूल नाम है विनोद पाटिल, लेकिन बैजू पाटिल नाम से वो अपने व्यवसाय में, अपने फील्ड में जाने पहचाने जाते हैं। बैजू पाटिल जी का, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मुख्य कार्यक्षेत्र है वो है वन्य जीवन, जैव विविधता के विविध क्षेत्र और प्रकृति के नानाविध रूपों को अभिव्यक्त करना।
लगभग 3 दशक से आप बड़ी तल्लीनता के साथ इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं, या यूं कहूं कि 3 दशक से आपका प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध जुड़ गया है। आप प्रकृति से संवाद करते हैं, उन खूंखार पशुओं से लेकर के जो पक्षियों की कलरव है उसको कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो प्रकृति के साथ आपका जो ये रागात्मक संबंध है उसको जिस तरह से उन्होंने अपने फोटोग्राफी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है वो उनके उसी जुनून को संकेतित करता है। बैजू पाटिल इस समय औरंगाबाद की एक निजी विश्वविद्यालय MGM यूनिवर्सिटी वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। मुझे एक दो बार अवसर मिला इस विश्वविद्यालय में जाने का। अभी पिछले ही महीने में वहां गया था और वहाँ बैजू पाटिल जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। और जो इनके विभाग में चूंकि फोटोग्राफी डिवीजन को हेड कर रहे हैं तो वहां जब बाहर इन्होंने फोटोग्राफ लगा रखे थे उन खूंखार जानवरों के, वो देख करके विश्वास नहीं होता कि जिस तरह से खुले में ये जानवर घूम रहे हैं कोई इस तरह के फोटोग्राफ पे क्लिक कर सकता है। तब उनसे उनकी इस फोटोग्राफी के शौक और उनके उन कार्यों को लेकर के विस्तार से बात हुई। तब मुझे लगा था कि एक अवसर पे अपन कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से उनके अनुभवों को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो कैमरे के माध्यम से उन्होंने उन जंगलों के का जो श्रेष्ठ है उसको लाने का जो एक अद्भुत प्रयास किया है। अनेक पुरस्कार आपको मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 32 के आसपास पुरस्कार आपको अब तक मिल चुके हैं, जिसमें प्रमुख है 2016 में एक वर्ल्ड कप फोटो कंटेस्ट हुआ था सर्बिया में, वहां आपको गोल्ड मेडल मिला। सेंचुरी एशियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड 2 बार मिला। DJI मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन 2018। इसी तरह से लंदन का जो रॉयल अल्बर्ट हॉल है वहां भी आपको अपनी फोटो एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला। वेजू पाटिल जी फोटोग्राफी के साथ साथ, मतलब नेचर की फोटोग्राफी के साथ साथ, जीवन के जो अनेक पक्ष हैं उनके साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आदि, जीवन का ऐसा कौन सा पक्ष है जो इनकी पकड़ से दूर है? सभी में उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ, और अब तो उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरी एक नई पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हैं। देश के बाहर भी अनेक देशों में आपको अवसर मिला यात्राएं करने का, वहां पर अपनी एग्जीबिशन लगाने का, और उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में अपने फोटोग्राफ्स को प्रकाशित करने का। और फोटोग्राफर के साथ साथ खेलों में भी आपकी विशेष रुचि रही है, विशेष रूप से तैराकी और खो-खो, इसमें आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और अपने स्टेट महाराष्ट्र को आपने 3 बार रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड और सिल्वर मेडल आपने अपनी टीम को दिलाए हैं। तो एक प्रकार से एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, अपने उस व्यवसाय में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े भाई विनोद पाटिल उर्फ बैजू पाटिल से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने इस फोटोग्राफी की दुनिया में, विशेषकर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें भाई बैजू पाटिल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों की हिंदी बहुत बढ़िया है, महाराष्ट्रीय लोगों की इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, तो कहीं गलतियां हो गई तो थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं लास्ट 25-30 ईयर्स से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और पहले का जो जमाना था निगेटिव स्लाइड ब्लैक एंड व्हाइट 1 MP फॉर्मेट, तब से मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। 25 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन उससे पहले 10 से 15 साल मैंने निगेटिव पे काम किया है, और अभी निगेटिव से लेकर आज मिररलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो देखने का अवसर शायद मुझे मिला है, और मैं अगर अपडेट नहीं रहता तो शायद मुझे आज आपके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। तो पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट का कैमरा अलग था, स्लाइड का कैमरा अलग था, निगेटिव का कैमरा अलग था,
जब फोटोग्राफी करनी है तो आपको ये तीन चार चार कैमरा साथ में कैरी करना पड़ते थे, तो एवरी टाइम अगर कोई एक्शन हो जाता था तो आपके पास आपने क्या रोल अपलोड किया है, स्लो अगर होगा आपके पास रोल तो आप एक्शन फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे। स्लाइड्स तब उस जमाने में जापान से आते थे, फ्रिज में रखना पड़ते थे, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता था, ये बहुत सारी चीजें पहले करनी पड़ती थी। और शायद उसी का मुझे बेनिफिट मिला है, जो पहले मैनुअल फोकस करना बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम लग जाता था, दोनों लाइंस आपको मैच करना पड़ती थी, फोकस हुआ क्या नहीं वो पता नहीं चलता था, तो बहुत सारी चीजें थी। जोशी सर जी मानते होंगे कि उन्होंने शायद मेरे से ज्यादा दुनिया देखी होगी फोटोग्राफी में, बट मुझे मैंने कम से कम 10 से 15 साल मैंने फोटोग्राफी की है नेगेटिव में, और मुझे ऐसा लगता था अगर समझो हमको सही में अच्छी फोटोग्राफी करना है तो उसके लिए आपको अपडेट रहना जरूरी है आज के जमाने के साथ। और पहले जो मैनुअल फोकस से लेके आज आई फोकस हट चुका है, फास्ट फेस आप जैसा भी चाहो कोई भी एक्शन आपसे मिस नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी आज लॉन्च हो चुकी है। तो अभी जो आप अगर सही मायने में अगर पहले का डेफिनेटली पहले का क्वालिटी भी अच्छा था, बट कंपैरिजन करेंगे तो आज के इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, आपके जो कलर्स, आपकी जो शार्पनेस, ये बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च लेते हो, कैमरा यूज करते हो और उसमें अगर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हाईटेक इक्विपमेंट एक एक फंक्शन मिररलेस का, डिजिटल एसएलआर का, इन्होंने करोड़ों रुपए लाखों रुपए बनाकर वो फीचर बनाया है, वो फीचर अगर आप यूज नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं। 10 फोटोग्राफर में से एक फोटो आपकी अलग आनी ही चाहिए तो ही वो चीज को वैल्यू है। और सबसे ज्यादा आज कंपटीशन है तो फोटोग्राफर के साथ कंपटीशन। अगर मैं डॉक्टर होता तो सिर्फ डॉक्टर और डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है, हम लोग जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो फोटोग्राफर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आज फोटोग्राफी में है और उसके साथ आपको चलना है, उसके साथ सबके साथ, उससे आपकी इमेज कैसे हट के बन पाए। फोटोग्राफी इज आर्ट, अगर आप फोटोग्राफी में आर्ट नहीं बताते हो तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आप क्वांटिटी पे काम मत करो, आप क्वालिटी पे काम करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में लास्ट 35 30 ईयर से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मॉडलिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ, जो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, और रिसेंटली मैं अभी अंडर वाटर फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मोस्ट डिफिकल्ट फोटोग्राफी इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत गिने चुने लोग हैं, उसी में से मेरा नाम लिया जाता है, और वो अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के बाद में आपको महसूस होगा कि ग्राउंड लेवल फोटोग्राफी कितनी आसान है, आप कितना एफर्ट्स आप उसमें कितना भी डालो तो कोई लगता ही नहीं कि यार बहुत आसान है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्टूडियो फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ये बहुत आसान है। तो बहुत ज्यादा रिस्की फोटोग्राफी है, और अगर आप प्रॉपर उसको अप्लाई करते हो, अच्छे उससे इन्वॉल्व होकर फोटोग्राफी करते हो, तो डेफिनेटली इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ कम पड़ेगा। इतना ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ आज हमारे पास है, हम लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि अमेरिका है, यूएस है, टांजानिया है, मसाय मारा है, केनिया है, तो वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास हमारे आसपास सिटी के आजू बाजू इतनी वाइल्ड लाइफ है, इतने सब्जेक्ट्स है, उसको भी आप डिस्कवर करते हो तो डेफिनेटली हम लोग, हमारे देश का, हमारे माँ बाप का, हमारे स्कूल का, हमारा खुद का अच्छा नाम कर सकते हैं। हमारे जो आज मेरे से काफी वर्ल्ड में 10 से 15 लाख फैन फॉलोअर्स है, कुछ फॉरेनर्स मुझे कनेक्ट हुए कि यार बिजू जी आप इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये लोगों से एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी मिलने के बाद में बहुत लोगों को लगता है कि भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा कमाई है, कमाई कुछ नहीं है, सब कमाई है, तो बट एक फोटोग्राफी से एनर्जी आती है आदमी, जो पैसों में नहीं मिलती। और मेरा एक ख्याल है, जैसा जैन सर ने बताया था, इक्विपमेंट मैटर नहीं करता, सही बात है, आप इक्विपमेंट परचेस कर सकते हो, स्किल परचेस नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क और ऑनेस्टली काम करो, वाइल्ड लाइफ में पहले कैमरा सीखो
और एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसका बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशंस, उसके लिए समय, एक फोटो आप गए और फोटो निकाले ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कंटिन्यूअसली साल भर, 2 साल, मेरी जो कुछ कुछ अवार्ड विनिंग इमेजेस है वो 3 3 साल उसके पीछे मैंने काम किया है, उसके बाद में वो कैप्चर हुआ है। और फोटोग्राफी में दूसरी बात ऐसी है कि आपकी एक्साइटमेंट खत्म होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस, जब आप एक मैच्योरिटी आती है उसके बाद में आप अच्छी फोटो खींच सकते हो। और अच्छा फोटो हम लोग नहीं बता सकते, बाकी लोगों ने, हम लोगों का फोटो बोलना चाहिए कि यार ये फोटो अच्छा है। और जैसे सर ने, जैन सर ने भी बताया था कि आजकल अच्छी फोटो, मैं तो बोलूंगा अच्छी फोटो कभी भी दिखती नहीं है, और अच्छे लोग फोटो डालते ही नहीं है सोशल मीडिया में। आप अगर अच्छे लोग भी देखेंगे कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव भी नहीं है, जो रियल में काम करता है वो काम करता है, अपने अपने लिए डालता है, लोगों को इंस्पिरेशन देना है। और फोटोग्राफी जो है ये कभी भी कहीं पे भी आपको यूज हो सकती है। आप जो भी वर्क करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके वर्क में उसकी क्रिएटिविटी आती है। तो समय हमारे पास बहुत कम है, अभी मैं फोटो भी कुछ बता सकता था, लेकिन काफी अभी जोशी सर जी का लेक्चर है और कहीं और दिग्गजों का मुझे भी लेक्चर सुनना है। तो कभी समय आएगा तो डेफिनेटली कुछ मेरे जो अवार्ड विनिंग इमेजेस है मैं डेफिनेटली देखिए, आपको। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपने ये स्टडी किया है। सॉरी, अब हम इसके बाद एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब से प्राप्त किए जाते हैं। आपने पहले स्टडी किया है एंटीबायोटिक्स के बारे में, हेलो, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? मेरे ख्याल अपन प्रश्नोत्तर तीनों वक्ताओं के बाद लेंगे, जो मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ। निर्मल जी ने शायद कोई सवाल पूछा है, तो निर्मल जी थोड़ा सा धैर्य रखें, जब जोशी जी, प्रोफेसर जोशी जी का वक्तव्य समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप जो हमारे तीनों स्पीकर हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना? नहीं तो अभी फिर वो चर्चा अलग रूप ले लेगी यदि क्वेश्चन आंसर में अभी उलझ गए तो। हाँ पाटिल जी, जी जी सर, तो ये फोटोग्राफी एक एनर्जी है, जो पहले मैंने बताई कि वो पैसे में काउंट नहीं हो सकता। और फोटोग्राफी जैसे मैं बता दूं कि अभी जो एडवांस हो रहा है सब, और मेरे ख्याल से अभी नए फेवर टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कैमराज आ रहे हैं, नए नए लेंसेस आ रहे हैं, बट हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन सी टाइप की फोटोग्राफी करनी है। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए अलग लेंस यूज की जाती है, वाइड लेंस के लिए अलग करती है, माइक्रो फोटोग्राफी के लिए अलग की जाती है, अंडर वाटर के लिए। तो ये सारी चीजें आपको जब तक पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फोटोग्राफी में हम लोग काम नहीं कर सकते। और शायद फोटोग्राफी में अगर आविष्कार ना होता, जिन्होंने भी, आज मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ये फोटोग्राफी का शोध लगाया है, जो भी हूँ मैं, शायद ये फोटोग्राफी के कारण ही मैं पूरी दुनिया में आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतने बड़े लोगों के साथ, सबके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो मुझे आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। डेफिनेटली अगर कहीं और समय नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उसमें हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद पाटिल जी। मुझे इस बात का एहसास है कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत व्यस्ततम है, सुबह से लगातार कहीं ना कहीं आयोजनों की व्यस्तता, लेकिन उसके बावजूद आपने इस वेबिनार के लिए समय निकाला। ये फोटोग्राफी के प्रति आपका जो एक सहज स्नेह है उसी की एक तरह से अभिव्यक्ति है। आपने अपने वक्तव्य में अपडेशन की बात की, और सबसे मुख्य बात यह है कि फोटोग्राफी एक विशेष प्रकार की कला है और स्किल्स होना बहुत आवश्यक है। स्किल्स को आप खरीद नहीं सकते। ये तो आपका जो एक समर्पण है फोटोग्राफी को समझने का, उसको पढ़ने का, तभी शायद हम सीख पाएंगे। ये सही है कि फोटोग्राफी की तकनीक के क्षेत्र में जितना विस्तार हुआ है, तो बिना तकनीक समझे शायद हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तकनीक भी आजकल बहुत अधिक यूजर फ्रेंडली हो गई है। एक दौर था जब उसके लिए शायद बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी। अब थोड़ा बहुत यदि आपको एक आइडिया बता दिया जाए तो बहुत कुछ अपने आप चीजें मिल जाती हैं। कैमरा स्वयं बहुत सारी चीजें अपने आप फोकस कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, आप में निहित जो संभावनाएं हैं, पूरी बात का जो आपका निचोड़ है लगभग वही है। तो बहुत अधिक पैसा खर्च करके हम चीजों को पकड़ पाए वो संभव नहीं है। तो
एक सामान्य कैमरे के माध्यम से भी आप किस तरह से, जैसा सिद्धार्थ ने भी कहा और बैजू पाटिल जी ने भी कहा कि आपका जो नजर और विजन और देखने की दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सुनते हैं ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने पूरे करियर में यो तो दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया है। जब मैं आदरणीय जोशी जी का सीवी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक दर्शन शास्त्री फोटोग्राफी के अंदर इतना कैसे काम करेगा। दर्शन शास्त्री तो हम मान के चलते हैं ना कि वो फिलोसोफर है, पता नहीं क्या सोचते रहते होंगे और एक दूसरी दुनिया में खोए रहते होंगे। तो एक फिलोसोफर किस तरह से उस फोटोग्राफी की फिलोसॉफी को, क्योंकि फोटोग्राफी भी तो एक तरह से प्रकाश के साथ ड्राइंग है, फोटोग्राफी भी तो एक विशेष, जैसा हमारे दोनों वक्ताओं ने भी कहा कि वो शायद कोई फिलोसोफर जिसको पागलपन है इन चीजों को से जुड़ने का, वो ही शायद फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुछ कर पाएगा। तो आजीवन जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में जिन्होंने फिलोसॉफी का अध्यापन कार्य किया, द्वैतवाद जिनका मुख्य विवेचन विश्लेषण और अध्ययन का विषय रहा है, 50 से अधिक शोध पत्र जिन्होंने प्रकाशित किए, 19 से अधिक विद्यार्थियों को PhD करवाई, इस अपने अकादमिक यात्रा के साथ साथ उनका एक जीवन का व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है फोटोग्राफी का जुनून। 250 से अधिक पुरस्कार फोटोग्राफी के क्षेत्र में आपको मिले, जिसमें 10 से अधिक स्वर्ण पदक, देश दुनिया में जिस कंट्री का आप नाम लें कहां आपका जुड़ाव नहीं रहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पता नहीं कितने देशों के साथ फोटोग्राफी के माध्यम से आपका जुड़ाव रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक जैसी मैगजीन जो फोटोग्राफी की दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, जिसको थोड़ा बहुत भी शौक है फोटोग्राफी का, उसमें नियमित रूप से आपके फोटोज प्रकाशित होते रहे। और आपका जो मुख्य एरिया है वो डेजर्ट फोटोग्राफी, रेगिस्तान का जो फोटोग्राफी है उसमें आपकी विशेष रुचि रही। और जो ये नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का एक कॉन्टेस्ट था, 54 जो उनके बेस्ट फोटोज थे, उसमें आपका एक फोटो कैरिंग वाटर, इसको उन श्रेष्ठ फोटोज में सम्मिलित किया गया। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में नियमित रूप से आप प्रकाशित होते रहे। इंग्लैंड से एक रेगुलर पब्लिकेशन है, ईयर बुक, फोटोग्राफी ईयर बुक, उसमें 1989 से लेकर के 2002 तक लगातार कई वर्षों तक आपके फोटोग्राफ जो हैं उस पर प्रकाशित होते रहे। इसी प्रकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो ये नियमित प्रकाशन थे उनमें भी आपके फोटोग्राफ जो हैं सम्मिलित किए जाते रहे। 2010 में निकॉन का जो कैलेंडर था उसमें आपका फोटोग्राफ लिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जीवन के इस 8वें दशक में, मतलब मैं तो ये कहूँगा हमारे साथ आज के जितने भी संभागियां उपस्थित, उसमें सबसे युवा फोटोग्राफर, युवा अपना जो जुनून है उनका इस क्षेत्र में, अभी भी आप 21 अगस्त से आपका 21वां बैच फोटोग्राफी का आप शुरू कर रहे हैं। और यदि मेरी जानकारी सही है तो निशुल्क, किसी प्रकार का आप उसमें चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये मुझे लगता है एक अद्भुत सेवा है। और राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार भाई राजेंद्र बोड़ा जी, उनकी फेसबुक वॉल के माध्यम से मुझे आपके इस हुनर का, इस जुनून का एक तरह से एहसास हुआ था। जब बोड़ा जी स्वयं जीवन के 7वें दशक में है इस समय, और उन्होंने जाकर के आपका शिष्यत्व ग्रहण किया और हर दिन का जिस तरह से अपडेट दिया, तो कहीं एक उत्सुकता जगी कि क्यों नहीं इनके सानिध्य में रह करके फोटोग्राफी के वो गुर सीखने की कोशिश की जाए। तो अब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को फोटोग्राफी के क्षेत्र में जिस तरह से आप तैयार कर रहे हैं वो आपका एक अद्भुत योगदान है। तो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ आपने जिस तरह से अपने इस अभिरुचि को विकसित किया है और इसको देश दुनिया में आपने प्रसारित किया है, और आज इस अवसर पर हमारे इस वेबिनार को संबोधित करने के लिए आपने जो अपनी स्वीकृति मेरे भाई महेश स्वामी से कहा था कि चूंकि आपका सीधा संवाद है तो आप उनसे सहमति प्राप्त करें, आपने टेलीफोन कॉल पर यह सहमति दी। ये फोटोग्राफी के प्रति आपका जो प्यार है मुझे लगता है उसी की एक पहचान है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय प्रोफेसर शिव जोशी जी को कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय जोशी जी। नमस्कार मित्रों,
जितनी प्रशंसा की उतना तो नहीं हूँ सच में, आपका लोगों का प्रेम है स्नेह है। महेश जी हमारे मित्र हैं, एमएनटी में एक बार उन्होंने बुलाया था तब उनसे मैं परिचय हुआ था, ये भी बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व है। तो मैं सीधा विषय पर आता हूँ और कुछ फोटोग्राफी की बात करके फिर मैं फोटोज दिखाना पसंद करूँगा, कुछ मास्टर्स लोगों के फोटो दिखाना करूँगा मतलब कर पसंद करूँगा, ये बतलाने के लिए कि ए पिक्चर इज ए वर्थ ए थाउजेंड वर्ड्स क्यों होता है, कब होता है, हर एक पिक्चर तो नहीं होता, कुछ पिक्चर ही होते हैं जो खुद अपने आप बोलते हैं, बहुत वाचाल होते हैं, आपको सुनने पर मजबूर करते हैं, सुनना पड़ता है उनको, वो कुछ पिक्चर ही होता है, पर वो उनमें क्या बात होती है उसकी मैं जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है उससे मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा बहुत मैं भी बतला दूँ कि वो पुराना समय था, क्योंकि एक बहुत नॉस्टैल्जिया है उस समय के प्रति, और होना जरूरी इसलिए है कि वो समय अभी के युग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था परिमार्जित करने में। अभी देखिए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हमें इसके साथ साथ तो चलना ही पड़ता, चलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वो समय वैसा था कि टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी और बहुत कुछ यानी 70% वो आर्टिस्ट को करना होता था, 70% आर्टिस्ट को करना पड़ता था, मशीन 30% थी। अब उल्टा हो गया, अब आदमी आजकल 20% 30% करता है, सब बाकी सारा सब कुछ मशीन और फोटोशॉप कर लेता है, बहुत सुविधा है, उसमें सुविधा नहीं थी, बहुत कठिनाइयां थी, पर वो कठिनाइयों ने लोगों को परिमार्जित किया और देखे उन कठिनाइयों के समय में लोगों ने क्या मार्वलस, क्या इतना बढ़िया काम किया है। तो वो फोटो एक बात, ये 1839 की बात है जब कि डेग्यूरे टाइप को फ्रेंच एकेडमी साइंस ने आज के दिन मान्यता दी थी, और इसी नाते हम ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। पर ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हो गया है, आपने बनाव जी ने बताया जैसे 2010 से, या वास्तव में ऐसा ही कुछ समय था, और उसमें हमारे भारतीय फोटोग्राफर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने के पीछे, और वो दिल्ली के हैं, ओपी शर्मा विख्यात फोटोग्राफर हैं, और उन्होंने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका के वो मेंबर रहे हैं, तो उस मैगजीन में लेख भी बराबर लिखते रहे कि भाई सब अपना अपना दिवस मनाते, हम फोटोग्राफी वाले नहीं मनाते, तो ऐसा करते, तो फिर लोगों ने उस बारे में सोचना शुरू किया और लोगों ने भी किया, तो वो एक उनका भी योगदान है इसमें फोटोग्राफी डे मनाने के पीछे, वो मैं जरूर आप लोगों के सामने शेयर करना। अब मैं सीधा विषय पर आ जाता हूँ कि मैं कुछ जो अपने अनुभव से जो निचोड़ मैं निकाल पाया, विजन विजुअलाइजेशन लाइन लाइट एंड लाइफ, ये पांच इंग्रेडिएंट है फोटोग्राफी के अंतरंग तत्व है, अंतरंग जैसे रस्सी गुथी हुई होती ना, ऐसे पांचों आपस में गुथे हुए हैं और वो एक फोटोग्राफी एक अच्छे फोटोग्राफ को बनाते हैं। भानव जी ने अभी कहा था कि फिलोसफी के आदमी फोटोग्राफी में कैसे आ गए, फिलोसफी तो जीवन का हमारा एक ऐसा अंग है कि कोई भी विषय इससे छूटा हुआ नहीं है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपके राजनीति हो, कुछ भी हो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे फिलोसफी है।
पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ साइंस, सारा सारा सब सही है। तो ये भी जो मैं विजन की बात करता हूँ, एक सोच की बात करता हूँ, वो सोच फिलोसफी ही है। हर एक आदमी का एक देखने का नजरिया है। फिलोसफी क्या है, व्हाट इज फिलोसफी? तो हर एक आदमी का एक एक दृष्टिकोण, एक वो यूं कहें कि हम जितने लोग बैठे हैं ना, मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग हैं उतने ही संसार हैं। बहुत सुंदर एक वल्लभाचार्य जी हुए हैं वैष्णव वेदांत के, उन्होंने संसार और जगत में भेद किया। मैं थोड़ा सा यह बताना चाहूंगा, जगत और संसार। तो जगत तो वह है जो हमारे सोच से अलग है, हमारे वैल्यू जजमेंट से अलग है। हम जो वैल्यू जजमेंट देते हैं ना कि अच्छा है या बुरा है, है? तो उस वैल्यू जजमेंट से अलग है। वो व्हाट इज, जो है वो संसार है, हमसे इंडिपेंडेंट, वो सबके लिए एक है। संसार क्या है? संसार जितने लोग हैं उतना ही संसार है। महेश जी का संसार अलग, बानव जी का संसार अलग, बेजू जी का अलग, मेरा अलग, यहाँ जोया जी का अलग, सबका अलग अलग संसार है। वो क्यों? क्यों हम क्या वस्तुओं को, हमारा जो पसंद नापसंद है, हमारा जो सोच है, हम जो उनको एक देते हैं, वही हमारे लिए संसार है। आपके लिए जो अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो संसार जितने लोग हैं उतने लिए संसार है। तो ये विजन जो है, वो विजन व्यक्ति का अपना सोच है, और वो सोच उसके कार्यों में भी झलकता है, उसके आर्ट में भी झलकता है, सब में झलकता है। अब वो जैसा सोच होगा उसकी फोटोग्राफी वैसी ही होगी, वो सोच उसका फोटोग्राफी में झलकेगा। अगर वो उदात्त प्रकृति का है, अगर वो सद्भाव सद्भावना वाला व्यक्ति है, सकारात्मक सोच वाला है, उसकी फोटोग्राफी देखिएगा आप, वो वैसा ही होगी, उसमें किसी प्रकार के इमोशंस होंगे। तो ये फोटोग्राफी ही नहीं, साहित्य भी, साहित्य में भी उसका हर एक का सोच जो लगता है। तो ये सोच की बात, वो विजन फिलोसफी है। और विजुअलाइजेशन क्या है, ये बहुत संक्षेप में बताता हूँ। विजुअलाइजेशन, हमने फोटो लिया नहीं, उससे पहले हमारे दिमाग में फोटो बन जाए कि ये फोटो यहाँ ये बनेगा। इसका विजुअलाइजेशन का जो नामकरण है वो पहले एंसल एडम ने दिया था, पर हैंसल एडम तो बाद के हैं, उसके पहले बहुत सारे फोटोग्राफर हुए हैं। क्या उनके विजुअलाइजेशन नहीं देखा था? नामकरण नहीं दिया, पर नामकरण देने का श्रेय हैंसल एडम को, विजुअलाइजेशन। फोटो लेने से पहले आपके दिमाग में एक भोजन फिल्म बन जाना चाहिए कि मुझे ये फोटो लेना है। लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है फोटोग्राफी में, वो हमारी दृष्टि को भीतर ले जाती है। लीडिंग लाइन, कई तरह की लाइन है, लाइन की अपनी लैंग्वेज है। मैं कहा करता हूं कि टू नो फोटोग्राफी नो द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट। तो लाइन की अपनी लैंग्वेज, हॉरिजॉन्टल लाइन की अपनी लैंग्वेज है, वो पीस की बात करती है, पीस ट्रैंक्विलिटी। डायगोनल लाइन गत्यात्मक है, ऐसे अलग अलग लाइन के अलग अलग मैसेजेज हैं, अलग अलग संदेश हैं। ऐसे ही लाइट है, फ्रंट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, टॉप लाइट, बैक लाइट, कई तरह की लाइट, और वो सब लाइट का अपना अपना एक मिजाज है। वो अपना प्रभाव उत्पन्न करती है और संवेग भी उत्पन्न करती है। एकदम डल लाइट है, हमारे मन में उदासी उत्पन्न कर देगी। ब्राइट लाइट है, एक उत्साह उत्पन्न करती है। तो ये सब संवेगों से जुड़ी हुई है। और लाइफ, ये सारी सब कुछ बात है, लाइन है, लाइट है, विजन भी है। पर अगर लाइफ नहीं है तो फोटो क्या? लाइफ का मतलब सेंस ऑफ फील, इमोशंस, इमोशंस होना बहुत जरूरी है। वो इमोशंस जो फोटो को देखते ही लोगों के मन में आए, करे वाह क्या बात है। तो ये पांचों इंग्रेडिएंट करके एक फोटो बनाते हैं। अब जो बात ये है, एक हम हमारे साहित्य में इसकी ज्यादा चर्चा होती है, कथ्य अंतर्वस्तु और रूप, अंतर्वस्तु रूप।
ये सभी में, साहित्य में नहीं है, यह फोटोग्राफी में भी है, संगीत में भी है और कला में भी है, सब में है, मतलब जीवन में भी है। अंतर्वस्तु क्या है? तथ्य है, कंटेंट है। आप क्या कहते हैं, क्या कहने जा रहे हैं, दैट इज कंटेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पर उस जो कहने जा रहे हैं वो किस तरीके से कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो सलीका आना चाहिए आपको अपनी बात का कहने का। आपका जो अपने पास अनुभव है वो आपका तथ्य है, वो आप कंटेंट है, और उसको जब कहते हैं तो अगर सलीके से नहीं कहते हैं तो अनुभव बहुत गहरा है, महत्वपूर्ण है, आप संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। तो एक सलीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो एक बात है क्या कहने जा रहा हूं और कैसे कह रहा हूं। जो क्या कहने जा रहा हूं वो अंतर्वस्तु है, कैसे कह रहा हूं वो तकनीक है। तो तकनीक और कच्चे, उन दोनों का समन्वय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तकनीक में कंपोजिशन के जितने भी रूल्स हैं, यहाँ सारा न समय न बताने की जरूरत है, आप सभी सुधीजन हैं। तो कंपोजिशन के रूल्स वो आने चाहिए, लाइन और लाइट का तो ज्ञान होना ही चाहिए, उसका बहुत अच्छे ढंग से आप प्रस्तुतिकरण कहाँ वस्तु को, एक ब्राइट वस्तु है उसको डार्क बैकग्राउंड में करने से उभर करके आती है, डार्क बैकग्राउंड में डार्क वस्तु है वो ब्राइट में उभर करके आती है, ऐसा कई नियम सारे, बहुत सारे नियम है जो कंपोजिशन के नियम है। तो वो सारे सब तकनीक है, उस तकनीक के द्वारा जो कच्चे है उसको प्रस्तुत करना। तो जब ये उसका बहुत अद्भुत मेल हो जाता है तब तो वो पिक्चर में एक खिंचाव आता है, एक अट्रैक्शन आता है, लोग उसको देखते हैं। और उसमें फिर एक दो और बातें हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग की बात हम करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं। स्टोरी टेलिंग में ऐसा वो इमेज प्रस्तुत की जाती है या ऐसा आपका इमेज होता है कि जहाँ वह जो दृष्टा है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, उसके मन में क्वेश्चंस उत्पन्न। तो वो जितने क्वेश्चंस उसमें, उसके प्रश्न मस्तिष्क में आएंगे, वो उसमें उतना उलझता जाएगा। वो एक विजुअल टेंशन, पिक्चर जो है वो विजुअल टेंशन देता है दृष्टा को, विजुअल टेंशन, वो तनाव देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ज्यादा है तो उसमें ज्यादा देर तक उसको देखेगा, पिक्चर को अधिक देर तक देखेगा, समझने की चेष्टा करेगा। एक साधारण पिक्चर है, देख लिया और निकल गया। पर यदि पिक्चर में आपके उसमें कलात्मकता है तो वो उसको सोचने के लिए मजबूर करेगी। ये पिक्चर की उसकी विशेषता, खास बात ये होती है। वो जो पुराना समय बनावट जी बीकानेर में था, पहले 20 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज में था, 20 वर्ष बाद आप फिर मैं जोधपुर में आया। और जैसा आपने बताया सही बात है, मेरा पहला जो प्रेम है फोटोग्राफी वो डेजर्ट के प्रति है, रेगिस्तान के प्रति है। और मित्रों का स्नेह है कि वो काफ़ी मैंने उसमें पॉपुलराइज हुआ, खूब लोग जुड़े, सब खूब लोग आने लगे, मैंने किसी को मना किया नहीं, मेरे साथ सब लोग आते रहे और खूब फोटोग्राफी की। तो बीकानेर के पास में करीब 10 किलोमीटर दूर उदराम सर, उस समय में अब तो वहाँ से भी बस्तियाँ बस गई, तो अच्छे दौरे थे, टीले थे रेत के, बहुत खूबसूरत थे। मैं साइकिल पर जाता था, अपने दो बच्चों उनको मैं साइकिल पर बिठाता, वो मेरे मेडल होते थे और 10 किलोमीटर में जाता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, दो एक बार ऐसा हुआ है कि साइकिल वापस आते हुए पंक्चर हो गई। ठीक है, अब वहाँ 10 किलोमीटर के बीच में, उसमें आज किस आज से कब ये बात है, करीब 70s की, तो बीकानेर इतना बसाव भी नहीं था, तो दुकान भी एक बीच में पड़ती थी, वो उस दुकान तक साइकिल की पंक्चर निकलवाता और फिर आता। अब एक एक फ्रेम महेश जी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था फिल्म में। शुरू में
शुरुआत मैंने ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव से की और फिर तुरंत मैंने कलर नेगेटिव बहुत कम यूज किया और कलर स्लाइड पर आ गया, कलर नेगेटिव और तो ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव और कलर स्लाइड। तो शुरू शुरू में देखता फिल्म तो निराशा लगती कि ये क्या है, सब कुछ मामला मैनुअल होता था, एक्सपोजर हमको ही सेट करना होता, फोकस मिलाना है तो मिलाओ, फिर शटर स्पीड क्या देनी है, अपर्चर क्या देना है, आईएसओ वो उसकी फिल्म की क्या एएसए, पहले एएसए था तो वो एएसए क्या है वो सेट करो, सब कुछ करना होता। तो मैंने एक काम किया, छोटी छोटी डायरी बना लेता मैं, डायरी में क्या लिखता था मैं, वो जो फोटो लिया है वो उसका विषय लिखते था, एक फ्रेम का अलग, एक एक फ्रेम में 36 आती थी, हम उसमें लोड करने में थोड़ी कंजूसी करते तो 37 आ जाती थी, आराम से आ जाती थी। तो 37 फ्रेम में, तो पहला फ्रेम में मैंने ये विषय है, इसको मैंने ये शटर स्पीड दी, ये मैंने अपर्चर दिया और ये तारीख थी, ये मौसम था, ये लाइट थी, ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है। और ये तो कलर नेगेटिव, तो वहाँ मेरे एक मित्र थे, उनका डार्क रूम था, वहाँ जाकर के प्रोसेस करके वो आ जाते थे देख लेते। पर जब स्लाइड फिल्म आया तो स्लाइड फिल्म ज़्यादातर मैं प्रोसेस पेट लेता था, तो प्रोसेस पेट में फ़ायदा ये होता था कि हम बाहर विदेश में भेजते उसको और वहाँ से वो धुल करके आती। तो जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, मैंने तो कई कई जगह भेजी, जर्मनी से बढ़िया और कहीं बल्क का प्रोसेस नहीं होती थी। तो 10-15 दिन लगते थे वो स्लाइड फिल्म आती, जैसे ही आई सबसे पहले सारे काम छोड़ करके वो छोटा सा व्यूअर होता, उस व्यूअर से मैं फोटो देखता। और पहली बार में पानावत जी कम से कम मुझे 15-20 फोटो बहुत अच्छे लगते, मेरे 15-20 फोटो बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद में और दूसरा काम करना, वो काम किया और दो तीन घंटे बाद दोबारा देखा। अब दोबारा देखने में 20 की संख्या लगभग घट करके 15 हो गई या 12 हो गई, अब मुझे 12 फ्रेम अच्छे लगे। उसके बाद में दूसरे दिन देखा कि ऐसा करीब ये सिलसिला हफ्ते भर तक चलता था, और बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ अंत में जाकर के कोई या दो या तीन फ्रेम मुझे ऐसे लगते थे जिनको मैं कंपटीशंस में, पहले मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, मैगजीन्स में, बाहर के मैगजीन्स में भेजता था, और वो पहले वाले लोग स्लाइड को ही पसंद करते थे मैगजीन वाले, क्योंकि उसका रिजोल्यूशन वहाँ बहुत बढ़िया होता था। और कोडक में ज़्यादा यूज करता था, कोडाक्रोम। फिर जब वो फ्यूजी की वेल्विया आई तो वेल्विया ने कोडाक्रोम को काफ़ी कुछ डाउन कर दिया, वेल्विया वाकई बहुत अच्छी फिल्म थी, फिर मैं वेल्विया यूज़ करने लग गया। तो ऐसे करके वो सारा सब कुछ मामला हमारा चला। अब यूँ तो कहने को तो बहुत कुछ है, फिर कभी मित्रों के साथ बैठेंगे कहेंगे, मैं फोटोज़ दिखाता हूँ, मैं सोचता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा बता फोटो में क्या दिखाऊंगा, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, जो यंग लोग हैं उनसे मैं बराबर क्लिक करूँ। अब दिख रहा है, दिख रहा है सर जी हाँ, इसमें पहले एनलार्ज हो जाए, ये देखो जी, ये और इसको एनलार्ज हो सकता है क्या, ये अब मुश्किल है ये, अच्छा ठीक है, अब मुश्किल है, छोटा दिख रहा है, हाँ ये बच्चे शायद कर सकते हैं इसको, इनको आइडिया होगा तो नहीं, ये फिर वो समझ में आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हाँ दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो करिए इसको क्लिक कीजिए, दिख रहा है अब, हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ऐसा करो, ये मेरी पिक्चर है, मैं अभी बाद में बताऊंगा, मैं पहले मास्टर्स के वर्क दिखाता हूँ, वो बहुत जरूरी है।
ये सबसे पहला फोटो है, नियस्ट्रे का है, खिड़की से लिया था और 8 घंटे लगे थे इसको। ये बाद में डेग्यूरे टाइप वाला फोटो है, ये छोटा होगा, मैं बड़ा करता हूँ इसको। इसमें भानव जी ने कहा था ना कि वो दो आदमी दिख रहे हैं। ये मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये दो आदमी दिख रहे हैं, ये इसमें फिर टाइम कम लगा। ये दिख रहा है फोटो सर भानव जी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और इसी फोटो को जब उन्होंने प्रस्तुत किया इस डेग्यूरे टाइप को, तो फिर फ्रेंच एकेडमी साइंस ने मान्यता दी थी 19 अगस्त 1839 को। अब देखिए वो जो अपने उसकी बात, आज का जो विषय है, ए पिक्चर इज ए वर्थ 1000 वर्ड्स। इस पिक्चर को देखिए, ये सीरिया की बच्ची है, छोटी सी बच्ची, वहाँ का गृह युद्ध में, और इसने बच्ची ने बहुत नज़दीक से गन को देखा है, बंदूकों की आवाज़ को सुनी है। फोटोग्राफर ने फोटो लेना चाहा, जैसे ही कैमरा किया और उस कैमरा को उस बच्ची ने गन समझा और हाथ खड़े कर दिए। ये फोटो देखिए, चेहरे का भाव देखिए, ये इमोशन से भरपूर पिक्चर। छोटी सी बहुत बच्ची ये भी समझ लगी कि गन क्या होती है। ए सीरियन गर्ल हु मिसअंडरस्टूड द एम्ड कैमरा एज अ गन एंड इंस्टेंटली रेजेस बोथ हैंड्स। ये पिक्चर है नीलूफर डेमिर का है, सीरिया से माइग्रेंट हो रहे थे जो लोग हैं, उनकी नाव पलट गई थी ग्रीस के समुद्र के किनारे पर, और कई सारे लोग मर गए, उसमें बच्चा भी था। जब ये फोटो प्रकाशित हुई, तो इससे पहले क्या है कि माइग्रेंट बहुत ज़्यादा आने लगे, तो आस पड़ोस के देशों में समस्या हो गई, भाई हमारे को इन माइग्रेंट्स को कैसे लिया जाए, तो कईयों ने सीमाएं बंद कर दी थी। इस पिक्चर को देखकर, फोटो देखकर के लिए कुछ समय के लिए उन लोगों ने अपनी सीमाएं खोल दी थी माइग्रेंट्स के लिए। तो ये एक पिक्चर का प्रभाव होता है, अगर उस पिक्चर में संवेदना होती है, और पिक्चर की संवेदना तब होती है जब आर्टिस्ट जो कलाकार है वो खुद संवेदनशील होता है। अगर वो खुद संवेदनशील नहीं होगा तो वो उस संवेदना को पकड़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। तो हमारा फोटो सब्जेक्ट के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। जो फोटोग्राफर सब्जेक्ट के साथ जितना जुड़ता है, वही एक अच्छा कलाकार बन सकता है। ये बांग्लादेश के चाइल्ड लेबरर है, इनके चेहरे पर देखिए इनका जो शोषण हो रहा है, उस शोषण इनके आंखों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फोटो दिखाई दे रही है संजय भवन जी? हाँ साहब दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, ये फोटो वियतनाम का है, और नापाम बम गिरा, और गिरते ही बच्ची जलने लगी, जलते ही उसने ये सारे कपड़े उतार दिए, और पीड़ा से चीख रही है, इसका बड़ा भाई है, आगे चल रहा है, और इसने युद्ध के विभीषकों को इस पिक्चर ने इतने खूबसूरती से प्रस्तुत किया। इस पिक्चर को देखने के बाद में लोग कहने लगे, स्टॉप वार, स्टॉप वार, ये पिक्चर की पावर है। और ये देखिए अगले क्षण में गोली निकलने वाली है और ये मरने वाला है। ये वियत कॉन्ग है, ये वियतनामी है, और ये उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है साहब। चेहरे के भाव देखिए, मृत्यु से पहले के भाव। ये तो बहुत चर्चित पिक्चर है, इसे भी लोग जानते हैं इस पिक्चर के बारे में। केविन का ये पिक्चर है, सूडान में एक अकाल पड़ा था, उस अकाल के समय का है। बच्चा देखो भूख से कैसा ढांचा निकल कर रह रहा है, ढांचा निकल गया। और पीछे पीछे गिद्ध, और आप जानते हैं गिद्ध
मरे हुए शवों को ही खाता है और वो देख रहा है, समझ रहा है कि मेरा शिकार आगे जा रहा है। सौभाग्य से ये बच्चा पास में ही कैंप था, रिलीफ कैंप, वहाँ चला गया। बच्ची थी, ये बच्ची चली गई। पर उससे पूछा, केविन से पूछा कि क्यों भाई उस बच्ची का क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया वो चली गई होगी, मुझे पता नहीं। तो लोगों ने उसकी बहुत वो की कि भाई ये तुम वहाँ एक वल्चर नहीं, दो वल्चर थे, एक ये था, एक दूसरा वल्चर कैमरा वाला था, फोटोग्राफर था। मतलब तुमने अपना मानवीय धर्म नहीं निभाया, फोटो ले ली। फोटो लेने के बाद ये तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उस बच्ची को डेस्टिनेशन पर ले जाते, और वह उस आत्मग्लानी से, लोगों की निंदा से उसमें आत्मग्लानी हुई और कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये पिक्चर टेक्निकली देखिए बड़ा धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, और हैंडीकार्ट ब्रेशा का लिया हुआ है, पर फुल ऑफ लाइफ है और एक एटमोस्फियर है। एक एटमोस्फियर, कैसा एटमोस्फियर है, एक दुख का एटमोस्फियर है। लाइट बहुत कम है, समझिए, है ना, डार्क पिक्चर है। और यह वो पिक्चर है, उस क्षण का पिक्चर है जब गांधी जी की मृत्यु की घोषणा नेहरू करने जा रहे थे। ये पिक्चर देखिए, और कार्टियर का एक दूसरा पिक्चर ये भी देखिए, वो इसने हेनरी कार्टियर ब्रेसा का एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, डिसिजिव मूवमेंट, यानी वास्तव में फोटोग्राफी क्या है, जो फ्लोटिंग मूवमेंट है, जो समय के साथ बह रहे हैं, उन मूवमेंट को पकड़ने की कला है। और उसने कितनी कलात्मकता से इस मूवमेंट को पकड़ा है, मैं कुछ अधिक कहूँगा नहीं इस पिक्चर के बारे में। जो लोग ज्ञानी हैं, जानवान हैं, जो जानते हैं वो जानते होंगे, मेरे तो इतना ज्ञान है नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर जो भी है, पिक्चर अपने आप कुछ को बहुत कुछ बोलता है, पिक्चर अपने आप कुछ बोलता है। माउंटबेटन है, लेडी माउंटबेटन है, और ये हमारे नेहरू जी हैं। ये फोटोग्राफर की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये पिक्चर, चर्चिल का। चर्चिल, ये भी आप इसके बारे में स्टोरी जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके बारे में मैं थोड़ा सा बतला दूं कि ये हर समय में अपने मुंह में सिगार रखते थे, उस समय भी सिगार था। ये कनाडा गए थे और कनाडा की सरकार ने यूसुफ कार्श, बड़ा महत्व नामी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर था, उसको हायर किया था फोटो लेने के लिए। वो जब आया तो उसने, चर्चिल ने कहा भाई तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में जो भी फोटो लेना ले लो फटाफट। खैर वो तो बहुत होशियार था, उसने पहले ही अपने सेटिंग कर रखी थी, और जैसे ही वो आया तो उसने पास में गया, विनती की कि सर प्लीज आप मेहरबानी करके ये सिगार निकालेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी भाषा में बोलूं कि देख पंचायती नहीं, तू थारो काम कर, फोटो ले नहीं तो ले, नहीं तो जा, समझ गए। इसकी भाषा में कुछ और बात कही थी कि तुम्हें लेना हो तो लो और नहीं तो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो क्या करता है यूसुफ कास, तुरंत इसके मुंह से सिगार निकालता है और जाकर के खट से क्लिक करता है। तो चर्चिल जो कि वार प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रसिद्ध था, उसके चेहरे पर देखिए क्या एकदम से भाव आए हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, यदि कोई कलाकार भावों को उजागर नहीं कर सकता है तो वो अपने मिशन में सफल नहीं हुआ है, मुझे इसको समझ लेना चाहिए। ये उसके जो पर्सनैलिटी है, उसकी इंटरनल चर्चिल की वास्तविक पर्सनैलिटी, दबंग एक रूप में वो पर्सनैलिटी इसमें आई है। देखिए इसने हाथ भी कहाँ रखा है, यहाँ रखा हुआ मुंह। जब ये फोटो उसने दी, उसने इसका टाइटल लिखा था रोरिंग लॉयन, दहाड़ता शेर। फिर उसने अप्रिसिएट किया चर्चिल ने और कहा यार तुम तो रोरिंग लॉयन को भी चुप करने की क्षमता रखते हो, तुमने तो उसको भी चुप कर दिया। तो एक कलाकार की ये ताकत होती है, हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हम तभी पहचान सकते हैं जब हम संवेदनशील होते हैं। तो बंधु संवेदनशील होइए सबसे पहले,
देखिए क्या शानदार पोर्ट्रेट है, ये बहुत घमंडित था, सफल तो था ही, विश्व विजेता था, इसको कोई हरा नहीं पाया, तो इसको घमंड होना एक स्वाभाविक था। और इसी घमंड को इस फोटो में दर्शाया गया है, इसके हाथ देखो किस ढंग से इसने रखवाए हैं और क्या चेहरे पर इसको जो भाव है मोहम्मद अली। और ये पिक्चर भी बड़ा आइकॉनिक पिक्चर है, सोनी लिस्टन उसका बराबरी का पिक्चर था, ये एक बार तो हुआ नहीं, फिर दोबारा रीब में दोबारा मैच खेला गया और उसमें ये तुरंत एकदम से नॉकआउट हो गया, ये भी एक क्वेश्चनेबल है कि कैसे नॉकआउट हो गया, क्यों हो गया, पर जो भी है अब इसके भाव देखिए हैं चेहरे के, इसके जो पड़ा हुआ इसके भाव देखिए, इसके इमोशंस देखिए, ये भी एक आइकॉनिक जो 100 पिक्चर्स हैं उसमें से एक शुमार किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है। और क्या सुंदर पिक्चर है, अपने यहाँ जैसे जाति प्रथा है वहाँ बाहर विदेशों में नस्लवाद हमसे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है, हमारे यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक है, हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत उदार भाव है और बहुत कुछ हो रहा है, पर वहाँ अभी भी बहुत वो है। तो एक ये देखिए ब्लैक उसको क्या कह रहा है, दोनों आपस में एक दोस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, कोई बोले थे क्या? हेलो साहब कंटिन्यू कीजिए, नहीं कोई नहीं बोला मेरे ख्याल। अच्छा ठीक है, ये पिक्चर देखिए साहब, यहाँ कोई चेहरा नहीं है, नो फेस नहीं है, कुछ भी फेस नहीं है, हाथ है, एक हाथ रिस्ट पुष्ट हाथ है, एक हाथ बिल्कुल मरियल हाथ है, ये हैव नॉट का हाथ है, ये हैव का हाथ है, ये मिशनरी है, वैसे ये मिशनरी है, ये वो है जो इसको सहायता करने वाले आए हैं, और ये युगांडा का है जिसमें अकाल पड़ा था उसका, और एक दोस्ती का हाथ, हम इसको पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव रूप में ही पिक्चर लिया गया है, एक मित्रता का हाथ है, और हाथ ही हाथ अपने आप में कहानी कह रहे हैं, हाथ ही हाथ में अपने इमोशंस भी आ रहे हैं, स्टोरी आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो फेस नहीं होते हुए भी ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, ये हमें समझना चाहिए कि ये कैसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ तकनीक भी है कोलिया, पर तकनीक से कहीं ज्यादा उसका विजन है, फोटोग्राफर का विजन है, वो विजन अगर यहाँ पर मैं एक बात कहता हूं कि यदि दोनों के पूरा पूरा शरीर लिया जाता और ये फिर पिक्चर होता तो ये पिक्चर कुछ भी नहीं होता मेरी नजर में। अभी ये जो पिक्चर है वो वास्तव में जितना इम्पैक्टफुल है वो पिक्चर इनके फेस आने पर नहीं होता, अभी सारा फोकस इसी बात पर है, इन दो हाथों पर है जो बहुत स्टोरी कह रहे हैं। ये हैंडीकार्टर ब्रेसन का है, देखिए इनके आपस में इस युगल में जो प्रेम भाव है, प्रेम भाव चरम सीमा पर है, वो बिल्कुल व्यक्त हो रहा है दोनों में, और तकनीक भी देखिए, हाँ ये जो फेस है, हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है, हमारा अटेंशन ज्यादातर इसी फेस पर जा रहा है, वो क्योंकि वो फ्रेम किया गया है, हाथ से ये फ्रेम किया गया, फ्रेमिंग की गई है, और दोनों एकदम से चैन की नींद सो रहे हैं, दोनों में आपस में गहरा एक संवेदन है। ये पिक्चर भी बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ये पिक्चर देखिए, ये यूजिनी स्मिथ का पिक्चर है, बड़े नामी जो है, और जापान में ये महामारी फैली हुई थी, ये माँ है ये बेटी है, ये थोड़ा अरेंज्ड पिक्चर है, इसने ये कहा था कि आप इस बच्ची को अपने टब में लीजिए और आप उसके पास में आप जाइए, और इमोशंस देखिए, ये बेटी और माँ के, माँ का एक जो बच्ची है लगभग मृत्यु शैया पर लेटी हुई है, उसको कितने प्रेम से देख रही है, कई सारे भाव हैं, ये भावों को सिर्फ शब्दों में व्यक्त करना मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल काम होता है, यही फोटोग्राफर की। और ये देखिए माइकल, ये है जॉर्डन, बेताज बादशाह बास्केटबॉल का, और उसकी क्षमता को, उसकी खेल की योग्यता को क्या खूबी से दर्शाया इस फोटोग्राफर ने, हैट्स ऑफ, देखिए साहब बहुत बढ़िया पिक्चर है,
ये पिक्चर अपने आप बोलते हैं, ये 1000 नहीं, मैं तो कहूँगा 10,000 वर्ष के हैं ये पिक्चर। और ये फिर वही नष्ट भेद का प्रेम का, देखो पहले बेताज बादशाह फोटोग्राफी का, ये इंग्लैंड का कैप्टन, कैसे आपस में मैच के बाद में मिल रहे हैं दोस्ती हैं, ये एक ये सोच है इस फोटोग्राफर का। तो समाज में सोसाइटी में ऐसे पिक्चर जो हैं वो सद्भाव फैलाते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, सद्भाव का फैलाते हैं। बहुत ये एक अद्भुत पिक्चर है, अद्भुत अद्भुत। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, सीजेरियन बच्चा है ये, तो वो जैसे उसने चीरा लगाया, उसके चीरा लगाते ही एक हाथ बच्चे का बाहर आता है और उंगली पकड़ लेता है। डॉक्टर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो एकदम से मौन हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ये वास्तव में ये तो अद्भुत ही। और फोटोग्राफर ने जो बिल्कुल तत्पर था, अलर्ट था, वो आ गया। आपने कहा था फिलोसफी का क्या काम फोटोग्राफी में, तो देखिए बौद्ध दर्शन जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, वो कहता है अपमाद, अपमाद का मतलब है अप्रमाद, अर्थात अलर्टनेस, तत्परता। अगर व्यक्ति फोटोग्राफर तत्पर नहीं है तो वो क्षण निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो फोटोग्राफर को तत्पर भी रहना होता है एकदम से क्षण को पकड़ने के लिए। इस पिक्चर को देखिए, चेहरे के उसका आह्लाद देखिए, कितना खूबसूरत, जैसे इसको सारा संसार मिल गया है। और वाकई इसको सारा संसार मिल गया है, पहली बार इसको कोई नए जूते मिले हैं, इससे ये जूते देखिए फटे पुराने, बेचारे कब से पहने हुआ था, और जब किसी ने इसको ये जूते दिए तो इसके चेहरे पर वो जो भाव आया है, यही बंधु मेरे मित्रों संवेग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे इंडियन फोटोग्राफर किशोर पारख का परेख का पिक्चर फोटो है, जो जिसने फोटो जर्नलिज्म में माइलस्टोन स्थापित किया था, एक ट्रेंड स्थापित किया था, जिसमें पहले एक एक फोटो ही छपते थे। किशोर पारख में उसके फोटो का एल्बम, एक नहीं फोटो का एल्बम उसमें प्रकाशित होने लगा, ये बहुत बड़ी बात थी। तो किशोर पारख एक माइलस्टोन के रूप में हमारे जाने जाते हैं इंडियन फोटो जर्नलिज्म में। ये फोटो देखिए, दंगे का फोटो है, लड़की का चेहरा देखिए है, उसका तो पाम ही नहीं उठ रहा है, और क्या देखे जा रही है, है? बांग्लादेश का जो बर्थ ऑफ बांग्लादेश, इसकी पिक्चर का नाम है, ये उसका एक फोटो है, ये भी फोटो उसी का है, ये भी फोटो उसी का लिया, किशोर पारख का है ये। और ये देखिए, ये जिसे हम प्रेम कहते हैं, पति पत्नी का प्रेम कहते हैं, हमारे यहाँ शादी के बाद में प्रेम होता है, और ये प्रेम यहाँ दब गए हैं, मर गए हैं, भूकंप आ गया और भूकंप में उसमें दब गए मकान उसमें नीचे, और ये दोनों जब निकाला गया तो देखो कैसे है दोनों आपस में, कि दोनों एकदम साथ साथ हैं, चेहरे का भाव देखिए आप, हैं ये झुलाने वाला पिक्चर है, वास्तव में झुला देता है, यही तो पिक्चर की ताकत है, यही पिक्चर की ताकत है। ये बार्थोलोमेव का पिक्चर है, भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी का है, आइकॉनिक पिक्चर है, रघु राय ने भी ऐसा लिया है और उसने भी ये पिक्चर लिया है। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा अरेंज पिक्चर है, जिस प्रकार से ये हाथ यहाँ दिखाया गया है, क्या जो भी है, पर पिक्चर तो है ही मत। हाँ, ये पिक्चर वास्तव में बहुत बढ़िया है, इंदिरा गांधी का, रघु राय का पिक्चर है, बहुत इम्पेक्ट, जो इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व उनका दबंग व्यक्तित्व, वो जो 1971 में उभर करके आया, वो व्यक्तित्व इनका इसमें आया है। पिक्चर खाली बाउंड्री लाइन है, पर बाउंड्री लाइन में देखिए उनकी दृढ़ता, चेहरे की दृढ़ता, चेहरे में वो दृढ़ता दिखाई दे रही है, हाथ उनका दिखाई दे रहा है, सारा सब वो करना है, और प्रकृति के प्रति प्रेम भी उनका जागिर हो रहा है। शिमला का मैं लिया है, उन्होंने रघुराय मिले थे जो बतला रहे थे, और ये मेरे कुछ पिक्चर हैं। ये हज करके आई है महिला, और ये उनका पुत्र है, और हज करके आना एक पवित्र, इस्लाम में बहुत अत्यंत पवित्र कृत्य माना जाता है, मानो
भावों के वो बह गए हैं, दोनों माँ बेटे भावों बह गए हैं। देखिए ये पिक्चर, और ये देखने वाले भी उसी में थोड़े थोड़े बह रहे हैं, तो भाव में बह जाना ही फोटोग्राफ है। ये अभी मैं कलकत्ता गया था, जुलाई का ही पिक्चर है, और वहाँ ये पत्नी है, ये इनके पति है, थोड़े से डिसेबल्ड है, हाथ काम नहीं करते हैं, तो वो चैरिटी मार्केट है वहाँ, चाइनीज मार्केट सुबह सुबह लगता है, तो बहुत भीड़ पड़ती है, लोग बाग वहाँ के जो हैं वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आसपास के लोग आते हैं, वहाँ भी ये महिला गई थी, और देखिए क्या उनको खिला रही है, खिला रही है। तो ये है अपने पति पत्नी का प्रेम। पत्नी तो बहुत हर समय सहायक रहती ही रहती है हर समय। ये मुंबई का है, थोड़ा सा मैं पिक्चर के बारे में आप बता दूं, ये दोनों आपस में बैठे हुए थे सड़क पर। मैं डिजिटल फोटोग्राफी के बाद में स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं करता, आजकल मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूं, और उसमें मुझे बहुत रस आता है, बहुत आनंद आता है, कई वर्षों से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूं मैं। तो मुंबई में ये थे, देखिए बनावे जी अगर समय हो जाए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। नहीं नहीं बस ये वाला पूरा हो जाए ना आपका, इसके बाद उसको अपन फिर हाँ 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ तो बस सब दो कुछ तो दो तीन पिक्चर ही दिखा दो, दो तीन पिक्चर। हाँ हाँ जरूर। हाँ तो बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये पिक्चर ही देखिए, पिक्चर अपने आप बोलते हैं ये। ये तो मेरे घर के सामने का ही है, हो गया सर। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बल्कि यूं कहूं कि एक दर्शन शास्त्री के रूप में उस फोटोग्राफी के दर्शन को जिस तरीके से अभिव्यक्त किया है, निश्चय ही इन फोटोज को देख के तो एक तरह से रोम रोम जो है वो पुलकित होता है, किस तरह से जीवन के नानाविध क्षणों को न सिर्फ आपने बल्कि आपके कई फोटोग्राफर मित्रों ने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर्स ने अपने दौर में जिस तरह से इनको क्लिक करके एक इतिहास की रचना की है, शायद इनकी अभिव्यक्ति के लिए हमें कई कई पृष्ठ लिखने पड़ेंगे। वो सही है कि जो आज से लगभग एक सदी पहले किसी ने कहा था कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, आपने जिस तरीके से इनको व्याख्यायित किया, विजन विजुअलाइजेशन लाइन लाइट आदि के कॉम्बिनेशन को जिस तरह से आपने स्पष्ट किया, वास्तव में एक दर्शन शास्त्री ही जीवन के इन अनुभूत सत्यों को, दर्शन को इस रूप में व्याख्यायित कर सकता है। आपका लगभग एक घंटे का ये प्रवचन मुझे लगता है कि उस फोटोग्राफी का जो पूरा निचोड़ है उसको आपने आज यहाँ प्रस्तुत किया है। समय चूंकि अब काफी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कोई भी चर्चा जब तक द्विपक्षीय नहीं हो तो मुझे लगता है कि वो सार्थक नहीं है। हमारे जो मित्र इतने समय से यहाँ बैठे हैं और इतना बड़ा त्योहार है उसके बावजूद, क्योंकि वो फोटोग्राफी का के प्रति उनका शायद आसक्ति है कि वो यहाँ आज इस मंच पर हमारे साथ में हैं, तो किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो आमंत्रित हैं, अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम बताएं, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन इसके पहले 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि महेश स्वामी जी, चूंकि इस पूरे आयोजन के पीछे उनका भी एक जुनून और उत्साह मेरे साथ जुड़ा रहा है, तो मैं महेश स्वामी जी, जिन्होंने जयपुर में लगभग 17-18 वर्कशॉप्स, अलग अलग एग्जीबिशंस जवाहर कला केंद्र में लगाई हैं, अलग अलग विषयों पर लगाई हैं, और जिस तरह से नियमित रूप से वे
फोटोग्राफी को लेकर के एक तरह से सजग सचेत और उसके पीछे एक तरह से लगे रहते हैं, पागलों की तरह से लगे रहते हैं, मैं यदि गलत नहीं हूँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर के। और मेरे साथ तो लगभग इनका 30-35 साल का जुड़ाव है, उनके उस पूरी यात्रा का मैं दृष्टा रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक फोटोग्राफी के प्रति मोड़ा है, जोड़ा है अपने आप को। तो मैं चाहूंगा कि वो पहले अपनी बात कहें, फिर कोई प्रश्न उत्तर हो तो वो आमंत्रित है। हाँ महेश जी, थैंक यू सो मच सर, आप सबको प्रणाम। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो इसकी शुभकामनाओं के साथ बस छोटी सी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जैसा कि कहा गया है कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के बराबर ताकत रखता है, उस दिशा में अगर मैं बात कहना चाहूं तो मैंने कैमरे को एक मैजिक टूल के तौर पे पाया है, जिसने मेरी जिंदगी में मुझे संवेदनशील बनाते हुए जिस तरह से मुझे प्रकृति के साथ जोड़ा है, तो मैंने पाया है कि ये जो कोई भी फोटोग्राफ जो बोलता है उसके पीछे जो छायाकार है, जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उसकी समझ कितनी समृद्ध है, उसका सौंदर्य बोध किस दर्जे का है, और वो चीजों को लेके जो फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, उसके जो सराउंडिंग है, उन एक एक चीज के प्रति वो कितना गहरा संवाद करता है। और सबसे अहम चीज है, क्योंकि फोटोग्राफी देखने की कला है, कहने का मतलब ये कि वो सबसे ज्यादा जो वैल्यू हमारी जिंदगी में ऐड कर रहा है वो सेलेक्ट करने का एटीट्यूड हमारी जिंदगी में ऐड कर रहा है। और मुझे लगता है प्रत्येक इंसान की जिंदगी में जो ये चुनाव करने का हुनर है, अगर ये परिष्कृत हो जाता है, अगर ये मोड हमारा, ये सेंस हमारा एक्टिव मोड में आ जाता है, तो ये बहुत जिंदगी में हम सब के हेल्प करता है। क्योंकि आज के दिन हम सब की जिंदगी में जो इतनी सारी चीजें चारों तरफ से आ रही हैं, अगर उसमें हमारे पास ये धैर्य और ये समझ आ जाती है सेलेक्ट करना कैमरे के थ्रू, व्यू फाइंडर के थ्रू, क्योंकि कुछ भी चीज लेने से पहले हमको चिंतन करना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है, हमको चीजों को रियलाइज करना पड़ता है, हमको चीजों को रिलेट करना पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड सेलेक्ट करने का फोटोग्राफी के थ्रू हमारे अंदर जो आ जाता है, वो आपकी रियल जिंदगी में चारों दिशाओं में हम सब के बहुत अधिक मदद करता है। इस रूप में कैमरा एक शिक्षक के तौर पे भी हमारी हेल्प करता है, और फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन होने के बाद एक छायाकार होने के नाते मैं पिछले 15 साल से बहुत ज्यादा रोमांचित हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इस फोटोग्राफी की डिजिटलाइजेशन ने थ्रू द मोबाइल हर हाथ में कैमरा देने के बाद जितने पॉजिटिव चेंजेस आज के दिन देख पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस फोटोग्राफी का डिजिटलाइजेशन, हर हाथ में कैमरा, और फिर उसके बाद में सोशल मीडिया ने जो एक क्रांति के रूप में लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड की है। तो कुल मिला के अगर अंतिम दो शब्द में कहना चाहूं तो मेरी मेरी तरफ से एक सुझाव युवाओं को स्पेशली है, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि फोटोग्राफी यानी कैमरा एक बहुत बड़ा शिक्षक के तौर पे हमारे सामने है। तो आप जो लगातार सुबह से शाम तक जो फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, मेरा एकमात्र सुझाव ये है कि उनको डिलीट करने से पहले जब भी समय मिले एक एक फोटोग्राफ के साथ संवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लिक किया हुआ फोटोग्राफ वेस्ट नहीं है, वो आपको एक सीख देके जा सकता है। बस इन्हीं दो शब्दों के साथ कि हर एक फोटोग्राफ आपको कुछ सिखा सकता है, अगर धैर्य के साथ उस फोटोग्राफ के साथ अगर आप संवाद कर पाए तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आ सकता है। थैंक यू सो मच भानुवत सर, आपने मुझे ये मौका दिया। चलिए महेश जी, फोटोग्राफ के साथ संवाद करने की आपकी इस अपील के साथ ही सर ये सत्र कुछ देर के लिए चर्चा के लिए खुला है। कोई भी हमारे मित्र जो सवाल पूछना चाहें, बैजू पाटिल शायद क्विट कर गए, उनकी मुझे लगता है व्यस्तता या प्राथमिकताएं कुछ अभी होंगी, लेकिन डॉक्टर शिव जोशी जी हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, कोई भी सवाल हमारे मित्रों का हो या बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हो आमंत्रित है। हाँ सिद्धार्थ सर, मैं सभी यंग फोटोग्राफर्स जो भी हैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो, मायूस ना हो,
लोगों को, जितने भी सीनियर फोटोग्राफर्स हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनके काम को देखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके वीडियोस देखने चाहिए और सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हमको तो आ गया, तब हम आगे कुछ नहीं सीख पाते। हम आगे जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम नहीं सीख पाएंगे। तो सब फोटोग्राफर्स जितने भी अच्छे लोग हैं उनका वर्क देखें, उससे सीखें और सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइक्स आए नहीं है उससे परेशान नहीं हो कि मेरी फोटो पे लाइक्स नहीं आ रहे। अब अच्छा वर्क आपका होगा तो जो अच्छे लोग हैं वो उसको पहचानेंगे और आपको अपने आप एक पहचान मिलेगी। क्योंकि फोटोग्राफी से आप करीब आते हैं किसके, नेचर के, प्रकृति के, इंसानों के, एनिमल्स के और खुद के। हर व्यक्ति एक फ्रेम को अलग नजरिए से देखता है, तो आप भी अपना एक अपना अलग नजरिया बनाएं और जो आप कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ करते रहें। थैंक यू। और कोई टिप्पणी या सवाल? यदि नहीं है तो फिर अपन समापन करें। जया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रोफेसर जया चक्रवर्ती हमारे यहाँ इंग्लिश में प्रोफेसर रही राजस्थान यूनिवर्सिटी में। भागवत जी, मेरे सिर्फ डॉक्टर शिव जी से ये सवाल है, उनकी कोर्स क्या ऑनलाइन हो रहा है या बीकानेर में हो रहा है? जी वो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो ये कोर्स बैचेस चलाते हैं, आप ऑनलाइन चलाते हैं या फिजिकल मोड पे वहीं आना पड़ेगा जोधपुर में? नहीं नहीं, ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन है और 8 दिन का होता है। अभी 21 अगस्त से 28 अगस्त तक है। हर महीने करते हैं आप? नहीं, बहुत व्यस्तता रहती है अपने काम में। दूसरों में साल में 3 या 4 बैच लेता हूँ। अच्छा। दो तीन महीनों के अंतराल में देता हूँ। तो अभी अगस्त में है तो उसके साथ में अब मेरे ख्याल में दिसंबर में होगा नेक्स्ट बैच। तो जयपुर में नहीं कराते, जोधपुर में ही कराते हैं? मैं जोधपुर में रहता हूँ तो जोधपुर में चलाऊंगा। और मैं अपने घर में लेता हूँ, ये मेरा कमरा है, इसी कमरे में लेता हूँ मैं। मेरे पास में और कोई विशेष जगह है नहीं, तो 11 की संख्या लिमिट रहता रखता हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं। पर कभी दबाव आता है तो 13-14 लोग कहते हैं हम नीचे बैठ जाएंगे, तो फिर वो संख्या बढ़ जाती है, क्या करें। मित्रों का दबाव आने पर बाकी 11। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन महेश जी को और बानव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सामने साथ मेरे कुछ शेयर करने का मुझे अवसर दिया आप लोगों ने। अरे हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आपने इतना प्रेरणा दी हमारे सभी प्रतिभागियों को कि फोटोग्राफी में वे भी कहीं कुछ कर पाए, उनमें सीखने की एक ललक आपने पैदा की। उम्मीद करते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस आपके इस अभियान में कहीं इतने सारे मित्र जो इसको सुनेंगे, YouTube के माध्यम से भी देखेंगे, कहीं अपनी आहुति डाल पाएंगे और जो अपेक्षाएं आपने की, जो शिक्षाएं आपने दी, उसका कहीं अनुकरण कर पाएंगे। मैं हमारा जी, ये जो जैसे यहाँ नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो YouTube पर मेरा चैनल है तो वो फ्री है सब कुछ। वैसे ही मेरे तो मोनेटाइजेशन किया नहीं है। शिवजी जोशी के नाम से आप सर्च करें, शिवजी जोशी, और उसमें फिर GPA फोटोग्राफी ट्यूटोरियल। जो भी लोग सुन रहे हैं और जो रुचि जी, शिवजी जोशी के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और फोटोग्राफिक ट्यूटोरियल इस नाम से आप देखेंगे। GPA लगाइएगा तो थोड़ी ठीक है। GPA, अच्छा, GPA गुरुकुल फोटोग्राफिक आर्ट, गुरुकुल फोटोग्राफिक आर्ट, तो GPA फोटोग्राफिक, ऐसा करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल उसमें आ जाएंगे। तो वो ट्यूटोरियल देखिए और कुछ जानना चाहे उसके साथ से अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो अभ्यास के अभ्यास। चलिए साहब, हम तो हमारे आज के तीनों जो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर शिवजी जोशी, तेजू पाटिल जी और सिद्धार्थ जैन, आप तीनों के प्रति आभार कि आपने आज के दिन
जब इतने सारे कार्यक्रम रहते हैं और चूंकि इस क्षेत्र में आप लोगों का इतना बड़ा योगदान है, तो निश्चित रूप से जो भी इन अलग अलग तरह के जो आयोजन हैं इनमें आपकी डिमांड भी रहती होगी, लेकिन आपने समय दिया, प्राथमिकता के आधार पर हमारे इस वेबिनार के लिए स्वीकृति प्रदान की, हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, लगभग 40 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स इसमें हो गए थे और करीब 32-33 अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के प्रति आभार, क्योंकि आपका सक्रिय सहयोगी हमारे इस पूरी सीरीज को, श्रृंखला को, अभियान को जीवंत और बनाए रखता है, कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत आभार, और बहुत जल्दी ही किसी अन्य विषय के साथ हम मिलेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। जो लोग, अच्छा बैजू पाटिल जी भी वापस आ गए हैं। नहीं, मैं सुन रहा था सर। अच्छा, सुन रहे थे क्या? मेरे इसमें लिखा हुआ था कि लेफ्ट। नहीं, अच्छा, कोई मित्र यदि सवाल पूछना चाहे, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि पाटिल जी शायद लेफ्ट कर गए हैं, तो कोई सवाल हो तो 2-3 मिनट। नहीं, मेरा एग्जीबिशन अभी, अगर आप कनेक्ट हो चुके तो मैं थोड़ा सा, हाँ, मेरा हाँ, एग्जीबिशन चल रहा है फोटोग्राफी का। अरे वाह, तो 2 मिनट में बता देता हूँ, अभी चालू है तो। बिल्कुल बिल्कुल चालू है अभी। देखिए, ये इस तकनीक का चमत्कार है कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं, और जहां जोशी जी के फोटोज का आस्वादन किया, वहीं पाटिल जी की जो एग्जीबिशन है उसकी भी एक झलक देख पा रहे हैं। हालांकि विस्तार से चर्चा तो फोटो पर नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी उसका एक एहसास हम लोग कर पा रहे हैं। कहाँ, औरंगाबाद में कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? हाँ सर, औरंगाबाद में ही है, ये 4 डेज वर्कशॉप है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी के इसमें थोड़ा सा मैं, आपके पास भी ध्यान था और यहीं पर भी कुछ ध्यान था, इसलिए आपको क्षमा चाहता हूँ मैं आपकी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप महाराष्ट्र होते हुए भी इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अरे थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, आपके प्रति, और जैसा मैंने निवेदन किया जोशी जी और सिद्धार्थ, आप सबके प्रति धन्यवाद। सारे पार्टिसिपेंट्स जिनकी सक्रिय उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, उनके प्रति धन्यवाद। और एक बार पुनः जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो अगले आयोजन होंगे उसमें भी आपका इसी तरह का हमको सहयोग, समर्थन मिलता रहेगा। YouTube चैनल के माध्यम से रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध है कि उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मुद्दे देश दुनिया, क्योंकि इस तकनीक ने तो भौगोलिक दूरियों को खत्म कर दिया है, हम देश दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचे जहां अपनी भाषा और अभिव्यक्ति को समझने वाला निवास कर रहा है। डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जिनका मुझे इस तकनीकी सहयोग मिलता रहा है, सारे सर्टिफिकेट्स इस वेबिनार के आप तक पहुंचाती हैं। उन्होंने अभी मैसेज करके बताया कि 232 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार में हो चुके हैं, और फिलीपींस, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ इंडोनेशिया से भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अपन ने देश की सीमाओं को लांघ करके दूसरे देशों में भी पहुंचे हैं अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका आपका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया था भानव जी, सच कह रहा हूँ, आनंद आ गया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छे ढंग से ये आपने मैनेज किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको।